Thank you, sir. Good morning, sir. हर बार आता लग रहा है. Good morning. Sir, I have a question. How to? There are many people here sitting, and they always confused. Like एक मजबूर लड़के को मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एक मजबूर लड़के को मशहूर हो जाना चाहिए. सर वो फिर कैसे? जैसे मैं मजबूर था पहले. मैं बहुत मजबूर था. ये दिक्कत वो दिक्कत ये दिक्कत मशहूर हो गया. अब मैं खड़ा क्या सोच देखो सामने खड़ा. चलो आता हूँ आता हूँ. एक मजबूर मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली. एक मजबूर लड़के को देखो आगे कैसे बढ़ना चाहिए. सबसे पहले तो ये सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ दो. आप जहाँ हो एक दो लाइन है कि आप जहाँ हो वहीं से शुरू कर दो. आपके पास जो है वही लेके शुरू कर दो. आप अगर मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी करो 8 घंटे 6 घंटे 2 घंटे अपने लिए यूटिलाइज करो. फिर एक मजबूर लड़का वही इतना मशहूर होगा कि दुनिया में कोई उसको रोक नहीं सकता. मतलब अपने ऊपर टाइम देना बहुत जरूरी है. थैंक यू. ठीक है जी. अरे कैमरों में आ जाओ जल्दी जल्दी. देखने में बड़ा अच्छा लगेगा. पागल है हो तुम लोग. So my question is that how to recognize the talent our inside? How to recognize the talent? अपने talent को कैसे पहचाने? भैया देखिए talent पहचाना नहीं तब जा सकता जब तक उसकी सराहना नहीं मिलेगी. समझ रहे हैं बात? सबसे पहले अगर आपके अंदर कोई talent आने वाला है तो सबसे पहले दिल में आपके interest generate होता है. जैसे मान लीजिए अभी आपको interest generate हो रहा है धीरे धीरे. जैसे अभी ये जीतू सर और जय सर गए मसाकी चलाने लगे. यार क्या खबर. अरे मतलब क्या नाच है. अब धीरे धीरे ये नाचने लगे. दोबारा नाचे और ताली मिली. तिबारा नाचे और ताली मिली. अब इनको धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो मेरा डांस जो मेरा इंटरेस्ट था मेरा टैलेंट बन गया. जो मेरा डांस था मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेरा टैलेंट बन गया. जब मैं पहले बोलता था तो नहीं समझता था. बाद में जब देखा ताली बुलाने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंटरेस्ट इन योर हार्ट. पहले इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को धीरे 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 वो टैलेंट में बदल जाएगा. इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है तब जाके टैलेंट. नौकरी का मतलब क्या है मालूम है? नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी का मतलब है गो मॉर्निंग कम इवनिंग आफ्टर 1 month एक सैलरी दैट्स ऑल. कोई क्रिएटिविटी है कोई स्किल है उसमें कोई अपने आप कला दिखा रहे हो उसमें नहीं. अगर आप अपनी कला ही जिंदगी में नहीं दिखा पाओगे तो वो नौकरी आपकी किस काम की कि जो आपकी कला को ही मार दे. क्या आप जिंदगी में पैदा हुए हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए? आपके अंदर भी कोई आत्मा भी है कोई रूह भी है जो कह रही है बार बार कह रही है ये करना है मुझे. तो आप अपने दिल को फॉलो करो. नौकरी और छोकरी के चक्कर पड़ेंगे. आप तो छोकरी हैं. अरे नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. और अभी नौकरी के चक्कर पड़ना है अपने दिल की कला क्या. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. How to believe in our life? अपने को देखो अभी बिलीव करें कि हार बजाय कोई आ जाएगा. इसका मतलब बिलीव का होना बहुत जरूरी है. हो सकता है कि पहले हार कोई ना जाए दोबारा फिर हार बजाएंगे. हो सकता है फिर कोई ना जाए फिर दोबारा फिर हार बजाएंगे. उसको ये बिलीव है सामने वाले पे. लोजिक वो बैठे हैं पिकअप में उनको बिलीव है कि मैं बार बार हार बजाऊंगा कोई सुन के जरूर आएगा. इसका मतलब जब आप अटेम्प्ट एक्शन पे एक्शन करते जाओगे आपको कभी ना कभी रिस्पांस मिलेगा. बिलीव का होती है बिलीव तो आपका बहुत जरूरी है ऑलवेज हमेशा. गुड आफ्टरनून सर. हेलो सर. गुड आफ्टरनून सर. एक टीचर स्टूडेंट हेलो एक टीचर को स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मतलब मेरा ये है कि स्टूडेंट से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती है. हमारी जैसे आप देख सकते हैं हैप्पीनेस का मतलब खुशी. मैं सोचेगा प्रचार कर रहा हूँ ठीक है. हैप्पीनेस का मतलब खुशी इंस्टीट्यूट है. यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं. हम लोग पहले कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते स्टूडेंट से. कोई भी हमारी संस्था में अगर आ गया है फिर वो अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आया है. हम कभी भी कुछ स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते. हम सिर्फ यही करते हैं एक चीज करते हैं मस्ट बी डेडिकेटेड.
पूरी तरह से डेडिकेटेड हो कि टीचर जो बता दे जो समझा दे बस वो फॉलो करे और कोई नहीं, क्योंकि अगर आपको सब कुछ पहले से आएगा तो आप टीचर के पास जाओगे नहीं। सिर्फ एक ही हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, आप अपने अंदर वो एनर्जी वो लगन वो ऊर्जा लेकर आओ, जो भी आपको टीचर आपके बताए उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू सर। जस्ट जस्ट सर। Good afternoon. Hello, sir. Sir, my question is that how to increase our brain power? How to increase brain power? Yes. Use it. For example, जैसे आपको brain power आपको बढ़ानी है, दिमाग की शक्ति बढ़ानी है, हम खाली पेट से सोच रहे दिमाग बहुत ऐसी शक्ति बढ़ी, नंबर चौन पर सो ले आओ यार, ये दिमाग वो बादाम का छिलका है ना, उसको छिल लो और थोड़ा उसको दूध थोड़ा खा लो, दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी। खूब बादाम खाओ, खूब काजू खाओ, ये दिमाग वो फूल की तरह हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, अरे फूल जाएगा, जैसे कोई देखेगा तो लमड़ा आ रहा है, हाँ बहुत बड़ा सा, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी बढ़ानी है, इसकी कथा को इसके अंदाज को बढ़ाना है, आपका जितना पतला है जितना छोटा है उसको उतने ही रहने दो, बादाम काजू खाते रहो अपने लिए, लेकिन उसको यूज करो, यूटिलाइज करो जिस वे में आप चाहते हो। जब आप रात में जाओ, मैं क्या करता हूँ हर रात में, मैं 15 मिनट सोचता हूँ, 15 से 20 मिनट में हर रात में, जब आजकल ठंडी का मौसम है तो कंबल चला जाए रहता है, पहले चद्दर रहता था, तो कंबल ओढ़ के मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने आज क्या किया, मुझे कल क्या करना है, मुझे इसको कैसे क्या करना है। तो जितना ज्यादा आप अच्छी चीज में सोचोगे आपका दिमाग काम कर रहा है, जब आपका दिमाग काम करेगा तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको दिमाग को बढ़ाना है, काम करो हमेशा इसमें। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं, आज के समय में आपकी उम्र है 20, 22, 21 जो भी है, आप ग्रेजुएशन में होंगी, मतलब मेरी भविष्यवाणी भी ठीक है, अरे मतलब मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, व्हाट यू आर डूइंग डू विथ फुल इमोशंस फॉर योर फ्यूचर प्रमोशन, जो आप कर रहे हो वो फुल इमोशन करो फ्यूचर के प्रमोशन के लिए। अभी ये सेमिनार पर आपको क्या एक रुपया आप दे के यहाँ पे आए हो, नहीं ना, टिकट लगा था क्या विकी सर, पैसा लिया था ना, पैसा लिया था, नहीं पैसा नहीं लिया था आपसे यार, मतलब अब ये ध्यान दो, मेरी उम्र है 22, मैं अभी सेमिनार करना शुरू किया हूँ, मैं फ्री में कर रहा हूँ यहाँ पे, और फ्री में यहाँ तो यहाँ में वादा है क्यों, यहाँ फ्री में करता रहूंगा, लेकिन हाँ बाहर पैसा करूंगा। अब ये जो मैं कर रहा हूँ पूरी लगन के साथ कर रहा हूँ, मेहनत के साथ कर रहा हूँ, आपकी भी उम्र सेम है, अभी ग्रेजुएशन में हो, तो वही जो काम आपको फ्यूचर में करना है उसको आज चाहे फ्री में करो, चाहे द्वारी द्वारी जा करो, चाहे घर घर जा करो, उसको करो, क्योंकि आपको वही फ्यूचर में बनाएगा, हीरोइन या हीरो, आप तो हीरोइन बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग निकाल दो, आप परसेंटेज दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको ही निकाल दोगे तो आप परीक्षा से निकल जाओगे। सोचो कि चलो दे भी मत, या किसी को अपना आई कार्ड दे दोगे, कहते यार जा तो एग्जाम दे दे, कहते फोटो मेरी तरह सेम लग रहा है। आपकी जिंदगी में जब आप बाहर जाओगे, जैसे मैं बहुत जगह गया हूँ एक्सपीरियंस किया हूँ, आप जब जाओगे बाहर ना तो आपका जो नॉलेज ही काम आएगा। अब सर्टिफिकेट से होता है दरवाजे को खोलने के लिए, दरवाजा जैसे आप खुल के जब आप अंदर जाओगे उस घर के अंदर, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट काम आएगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सर्टिफिकेट के लिए काम मत करो, परसेंटेज के लिए काम मत करो, क्योंकि हम लोग एक कॉलेज के पास खड़े हैं, तो ऐसी बात कहना शोभा नहीं देगा, क्योंकि कॉलेज में कॉलेज यही एक्सपेक्ट करता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे यहाँ वो परसेंटेज अच्छा लेकर आए। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाहूंगा कि परसेंटेज इज फॉर अ टेम्पररी टाइम बट योर नॉलेज इज फॉर लाइफ टाइम। परसेंटेज आपका टेम्पररी टाइम के लिए होता है, सिर्फ आप देख के एक बार खुश हो जाओगी, एक आध किलो बर्फी और लड्डू बांट दोगी, लेकिन जब आपका लड्डू जिंदगी भर अगर बांटना है, बर्फी बांटना है, तो नॉलेज होना चाहिए दिमाग में और कोई चीज नहीं। डरना चाहिए शेर से, डरो शेर से, अब शेर आएगा तो चीड़ फाड़ दे, मतलब मसला हो जाएगा, शेर से डरो, डरना नहीं चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर मम्मी पापा को अपने बच्चों से ऐसा रहना चाहिए कि डर ना हो, जब डर नहीं होगा तो हर बच्ची अपने मम्मी पापा से हर चीज शेयर करेगी, हर बच्चा अपने मम्मी पापा से शेयर करेगा तो कभी भी परिवार में दूरी नहीं आएगी, दूरी तभी आती है जब बहुत ज्यादा डर होती है परिवार में। थैंक यू सर। ज्यादा जरूरी है, डर नहीं होना चाहिए कहीं भी।
आप लोग धूप में बैठे कैसे धूप लग रही है डिफिकल्ट मोमेंट इन योर लाइफ आपको कहाँ से लगे कि मतलब हमें इंग्लिश बोलना चाहिए सर एक्चुअली एक बार क्या हुआ ना मालूम है मैं साइकिल से जौनपुर में जा रहा था तो एक लड़की स्कूटी से लेकर आ रही थी वो टकरा गया मैंने और टकरा के तो लगी पता नहीं क्या इंग्लिश में बोलने वाले या वो तो मैंने कहा मैं तो भाई अभी नहीं जानता इसी अंग्रेजी बोलूंगा कि अंग्रेजी मुझे खुद नहीं समझ पाएगी मैं कैसी अंग्रेजी बोलूंगा और तब से मैं ठान लिया कि यस बोल लूंगा और बताइए दुनिया के सबसे बड़े क्लब से इंडिया के सबसे बड़े क्लब से मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है बेस्ट स्पीकर पोस्ट मास्टर वायरल बताना नहीं चाहिए लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी जाने कि मैंने कुछ अचीव भी किया है खाली माइक लेके बोलता नहीं हूँ अचीव किया है तब जाके बोलता हूँ राइट तो मेरा वही मोमेंट था कि मैंने कहा अंग्रेजी की वाट लगा देंगे लगा दी सभी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अब अपने भाग्य लिखवा के आए हैं लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ सपोज दैट मुझे कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो बट अगर कुछ हो जाता है तो फिर वही लोग कहते हैं कि ये तो होना ही था ये तो होना ही था क्यों सर अभी ना पब्लिक ना बड़ी ठुमके जिया टाइप हाँ टिंकू जिया टाइप असल में हम जानते हैं बार बार उस चीज का अब एक चीज ध्यान दो कुछ लोग बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे और ज्यादातर आपके पुरनिया लोग ऐसे मिलेंगे बच्ची कुछ मत कर किस्मत में सब लिखे सब ऊपर वाले ने लिखा है सब अच्छा होगा तो क्या घंटा अच्छा होगा यार मतलब आप कुछ करोगे तब तो अच्छा होगा ना कुछ मेहनत करोगे तभी तो अच्छा होगा क्या लिख दिया है किसी ने कौन सा रजिस्टर में लिखा गया जरा बताओ कोई रजिस्टर में आपकी किस्मत लिखी नहीं गई है फला तगुर रन्नकुमुल हयातु दुनिया अल्लाहु माल मोमिनीन अल्लाह मा साबिरीन दो चीज तीन चीज है ये आप मेहनत करोगे तब आपको खुदा और भगवान ऊपर वाला भी आपको देगा अल्लाह हमास साबिरीन सब्र करोगे सब्र का फल मीठा होता है लेकिन मेहनत करने के बाद सब्र करना है डायरेक्ट पहले ही सब्र नहीं करना बैठ गए सब्र कर रहे हैं अरे मेरे घर में स्कॉर्पियो आई स्कॉर्पियो में खरीदी हूँ स्कॉर्पियो खरीदिया कैसे खरीदिया कहाँ से तो आई जरा बतावा अरे यार क्या फालतू की बात है किस्मत वगैरह को छोड़ के मेहनत करना चालू करो उससे पहले नहीं समझना है ना जब जैसे मामला ये है कि जब आपको कोई चीज इम्पैक्ट करेगी तभी तो आपका खुलेगा समझ रहे हो ना जैसे आप जब दरवाजे में ऐसे अपना हाथ मारते हो तभी तो दरवाजा खुलता है तो ठोकर का लगना बहुत जरूरी है ठोकर तो पूरी तरह से खुल जाता है थैंक यू अरे यस सर ये इधर अनिल सर बैठे हैं क्या बरात जा रही है आपके अरे माशाल्लाह यार बहुत अच्छे लग रहे हाथ मिला अरे वाह देखिए अनिल सर को देखिए अरे ये देखिए अरे खड़े हो दिखाए अजी कहीं से आए थे भाभी ठीक है अरे बहुत जबरदस्त है अनिल सर तो मतलब काफी स्मार्ट लग रहे हैं आज किसी भी टारगेट को डिसाइड करना कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन उस टारगेट के लिए जो नेसेसरी होता है उसमें मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरे पास ये हो सकता है तो उसको उस बिलीव को कैसे अचीव किया जाए कि उस बिलीव से हम निकल उस टारगेट को हम पास करें जैसे वी हैव टू डाइट वी हैव टू डिसाइड आई वांट टू बिकम लाइक डॉक्टर बट आई एम थिंकिंग वी विल एबल टू become like doctor but we have no money and we have no any support so how will I achieve that the same question the person asked that if we are if someone is school koi majboor hai to usko kaise apne cheez ko hasil karna chahiye the same reply goes to your question the same answer goes to your question and sir all student target is creating I will be do like this and I will be create this target I want to become like doctor I want to become like this remember a formula ek formula yaad karke jana सबसे पहले आपके माइंड में कई बार बता चुका सबसे पहले माइंड में आपका आता है थॉट के बाद आता है प्लान्स के बाद क्या आता है एक्शन के बाद आता है हार्डवर्क के बाद आता है डेडिकेशन के बाद क्या आता है हैबिट के बाद आता है यू नो एडिक्शन के बाद क्या आता है कैरेक्टर के बाद क्या आता है कर्मा
मतलब आपको इतनी चीज धीरे 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 आपको करके रहना पड़ेगा, फिर रखो पेशेंस और उसके बाद देखो सक्सेस। लेकिन इतना हम करने कहाँ जाएंगे, 1 लाख मारे सोचे कि 4 चक्कर गाड़ी आगे चली जाए, नहीं यार, थोड़ा सा उसके लिए और चीज है, 15 फॉर्मूला है। ओके थैंक यू। हाँ दो लोग और सवाल कर सकते हैं क्योंकि हमें सेशन को ओवर करना होगा। हाँ दो लोग और सवाल कर सकते हैं। सर है अगर वो जल गया है आप शॉप पे जाएंगे खरीदने के लिए तो जो 25 फीट ऊंचा मोटर पहुंचाने वाली प्राइस 5000 है और जो 50 फीट पहुंचाने वाली मोटर प्राइस 5000 है, आपको सिर्फ 25 फीट ऊंचा पानी पहुंचाना है, आप कौन सा मोटर लेंगे? हमें 25 फीट पानी पहुंचाना है और 25 फीट पहुंचाने की प्राइस कितनी है? 5000। 5000 और 50 फीट वो भी 5000 है। वो भी 5000। यस सर। तो 50 फीट वाला हम ले लेंगे। क्यों लेंगे सर? क्योंकि हमें देखो वहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिल रही है, सेम कंडीशन में सेम अमाउंट में हमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है। सर उसकी बिजली बिल भी तो ज्यादा मिलेगी तो रहेगी क्या? उसकी बिजली बिल ज्यादा आएगी। सर हाँ बहुत अच्छी बात है, उसकी बिजली बिल ज्यादा आएगी, लेकिन मेरे फ्यूचर में ये भी प्लान है कि मैं एक फ्लोर और अपने घर पे बनवाऊंगा। नहीं सर लेकिन 25 फीट ऊंचा पहुँचाना है ना? 25 फीट मेरा ऊंचा है, एक फ्लोर और बनवाऊंगा क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, जब मेरी बीवी आएगी तो दूसरे फ्लोर पे रहेगी। अरे सर वो आएगी तो उसके लिए मतलब एक थर्ड फ्लोर हो जाएगा सर। तो ठीक है 2-3 फ्लोर और बनवा देंगे बिल्डिंग पर, 50 फीट वाला पहले से ले लेंगे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी तो आना होगा, थोड़ा समझा करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आई फॉर स्पेशली आप हंस नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते, हमारे भी है कि हम हमें थैंक यू सो मच। आप हमें इतना प्यार करते हैं कि हम उसे दिखा नहीं सकते और आप हमारे लिए इतनी इज्जत करते हैं कि उसको भी हम बता नहीं सकते, जता नहीं सकते और आपको कभी कभी सिखा नहीं सकते। तो आपने बहुत अच्छी शायरी बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। माइक गरीब क्यों रहता है? सिंपल सी बात है, एक तालाब में, यहाँ तालाब को आप देख सकते हैं कि उसमें 30 पढ़ीना डाला गया है और एक तालाब में 5 पढ़ीना डाला गया है। जो 20 पढ़ीना रहेगा वो 20 तरह के बच्चे पैदा करेगा, मतलब वो ज्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। 5 लोग क्या करेंगे? 5 ही करेंगे, खा जाएंगे, मर जाएंगे। इसका मतलब जब आपके पास कमी होती है तो कमी होती चली जाती है, जब आपके पास ज्यादा होता है तो ज्यादा होता चला जाता है। आपको यही फॉर्मूला समझना होगा। सेम आप कोई भी किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज्यादा प्लस कम माइनस। थैंक यू सर। माई सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इज दिस लास्ट क्वेश्चन। इफ यू टॉक अबाउट आवर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट हैव नो राजनीतिक क्वेश्चन। हमारी सरकार के पास पैसे छापने वाली मशीन तो है, तो सरकारी क्वेश्चन मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं ना, इधर पॉलिटेक्निक चलता है क्लास, इंजीनियरिंग क्लास चलता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग जो है आपकी ये इंजीनियरिंग है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही इंजीनियरिंग है। अगर ये इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिए और बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक आईटीआई सब इजी हो जाएगा आपके लिए, यही इंजीनियरिंग आपका मोटिवेशन है। थैंक यू सर। अरे इसका मतलब कि मैं आज यहाँ पे जो हूँ आपकी वजह से हूँ, आप तो हैं मेरी वजह से नहीं।